अंगानि वाक् प्राणश्चक्षु श्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि सर्वम् मामा ब्रह्म निराकरोद निराकरणमस्तु अनिराकरणमे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषस्व धर्मास्ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। शंकरं शंकर भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मे मूर्तिभेद विभाग व्योमवत् व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्तिः शान्तिः शांति। छांदोग्य उपनिषद के पंचम अध्याय के दसम खंड कौन सा मंत्र है? ये षष्ठ मंत्र का चल रहा है। चंद्र से लौटने वाला जीव अनुसयी होता है, कर्म से युक्त होकर लौटता है। जब तक शरीर की प्राप्ति नहीं होती है, प्राण का संचार नहीं होता है, वो विशिष्ट ज्ञान वाला नहीं होता है। दृष्टांत दे देते हैं, मूर्छितवत और जिस स्थावर आदि में है वो जीव स्वर्ग से लौटने वाला, तो उसमें जो अभिमानी है, उसमें जो कर्ता भोक्ता जीव है, वो तो सुखी दुखी होता है, सुख दुख का अनुभव उनको होता है। लेकिन ये जो चंद्र से लौटने वाला है, इनको सुख दुख नहीं होता है ना, क्योंकि उसका जो कर्म है वो अलब्ध वृत्ति वाला है। देहांतर को आरंभक, देहांतर का आरंभक जो कर्म है ना, तो कर्म में अब क्या है, व्यापार अभी हुआ नहीं, उन्मुख अभी हुआ नहीं है, ये भाष्यकर ने कहा। देहांतर आरंभकस्य मिला आप लोगों को, क्या पेज नंबर है? 385। हाँ, पुरानी में तो 385 है, नई में भी वही है। अच्छा है, तब तो देहांतरारंभकस्य कर्मणो, देहांतर का आरंभक होता है कर्म, और कर्म अभी कैसा है, लब्ध वृत्ति वाला नहीं है। यहाँ पर क्या है, अलब्ध वृत्ति वाला का अलब्धा वृत्ति यस्य तत्कर्म अलब्ध वृत्ति नपुंसकलिंग है, ये तस्य भाव अलब्ध वृत्तित्वम। वृत्ति का अर्थ यहाँ पर व्यापार है, सर्वत्र वृत्ति का अर्थ व्यापार नहीं होता है। जब न्याय पढ़ोगे ना, वहाँ पर वृत्ति का अर्थ व्यापार नहीं होता है, वहाँ पर वृत्ति का अर्थ विद्यमानता होती है। वृत्ति पारिभाषिक शब्द होता है, कहीं व्यापार अर्थ होता है, और व्याकरण का वृत्ति अलग है ना, और यहाँ का वृत्ति अलग है। वृत्ति का अर्थ यहाँ पर व्यापार, और न्याय में जो वृत्ति का अर्थ लेंगे वहाँ पर वृत्ति का अर्थ विद्यमानता। जैसे मान लीजिए घट में, घट है भूतल में, तो घट को कहेंगे भूतला वृत्ति ही, घट को ही कहा जाएगा भूतला वृत्ति कहा जाएगा। क्यों? विद्यमान है घट भूतल में, तो विद्यमान, तो विद्यमान धर्म किसका रहेगा? घट का रहेगा। ठीक, तो
भूतले वृत्तिर्यस्य सह भूतला वृत्ति ही, बहुवरी समास करना पड़ता है। भूतपल भूतल में विद्यमानता है जिसकी, भूतल में विद्यमानता घट की है, इसलिए घटक को कहा जाएगा भूतला वृत्ति, है ना। ये होता है। और मान लो जो, ठीक है, इतना ही समझ लो, जैसे कि साध्याभावत वृत्ति, तुम व्यभिचार का लक्षण करते हो ना, व्याप्ति का लक्षण होता है साध्याभावत अवृत्तित्वम, और व्यभिचार का जो लक्षण करते हो साध्याभावत वृत्तित्वम, है ना, साध्याभावती वृत्तिर विद्यमानता यस्य सह साध्याभावत वृत्ति ही। साध्याभाव जैसे मान लीजिए पर्वत बनने वहाँ धुमात कह दिया, धुमान बनना ले लो, तो व्यभिचार होगा, ठीक है। मान लीजिए धुआं भाव का अधिकरण जलरद भी होता है कि नहीं होता है, ठीक है। और जलरद में कौन है, तो मीनादि भी रहते हैं। अथवा मान लीजिए ऐसा ले लो, जैसे अजगोलक ले लीजिए, पर्वतो धूमन बनने नहीं, धूम हो गए हेतु, धुआंवाद हो गया, धुआं भाव हो गया साध्य भाव। साध्य भाव कहाँ रहता है, अजगोलक में रहता है, गर्म लोहे में रहता है कि नहीं, तो गर्म लोहे में बननी रहती है, हुआ। तो बन्ही को क्या कहेंगे, साध्याभावत वृत्ति, साध्याभावती मतलब अयगोलके वृत्तिर विद्यमानता यस्य, किसका है, बन्ही का। तो बन्ही को ही कहा जाएगा साध्याभावत वृत्ति। अरे न्याय पढ़ने के लिए बहुत बुद्धि चाहिए और परंपरा से, ये न्याय शास्त्र तो अनंत होता है, लेकर नहीं सर्व सर्व जानते, इसलिए शास्त्र में कोई अभिमान नहीं करना चाहिए कि मुझे बहुत सब आता है, शास्त्र अनंत, एक अंश आ गया तो बहुत बड़ी बात हो गया। तो ये है वृत्ति। यहाँ पर वृत्ति का अर्थ विद्यमानता नहीं, यहाँ पर वृत्ति का अर्थ व्यापार। फल उन्मुखता ले लो, फल उन्मुखता अभी हुई नहीं तो ऐसा कर्म है ना। महादेव, तो इसको विच्छेद करना चाहिए कर्मणो अलब्ध वृत्तित्वाद। यहाँ पर ओ आएगा, पूर्व रूप एकादेश हुआ है, ये टीका करने के दिया, अलब्ध वृत्तित्वाद इति छेद, पद का ऐसी छेद करो। अच्छा, कथम पुनर अनुसयीनाम विज्ञान शून्यत्वे, शून्यत्वे अनुसयी जो है चंद्र से लौटने वाला, उसमें यदि विज्ञान नहीं रहेगा, विज्ञान का अर्थ है विशिष्ट ज्ञान, तत् यथा तृण जलुकया जलायुका तृणस्य अंतम गत्वा, फिर अन्यम आक्रम्य आक्रम्य आत्मनम उपसंहरति इत्यादि सचेतना जलुका, जो एक तृण से दूसरे तृण में जाता है कि नहीं, कौन जलुका, जोंक जोंक, अब वो सचेतन है कि जड़ है, वो तो सचेतन ही, वो चेतन से युक्त ही है। दृष्टांत दृष्टांत न उपपाद थे तत्राह देह भुजो, वहाँ पर भी ऐसा होना चाहिए, है ना, एक शरीर से दूसरे शरीर में जा रहा, एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष में जा रहा है, वो जीवित हो जाता है, कौन चंद्र से लौटने वाला, तो उसमें भी क्या होना चाहिए, सचेतन तो होना चाहिए। बोलते हैं देखो, देह भुजा देह बीज भूत अब संबंध अपरित्यागे ना, देह का बीज भूत जो जल है ना, जल प्रधान है, उसके संबंध का परित्याग नहीं होता है, इसलिए सर्वासु अवस्थासु वर्तन्त यदि जलुकावत चेतनावत्तम न विरुद्धत्वे, जलुका की तरह चेतनावत्त है ना, कोई विरुद्ध नहीं। ये जो दृष्टांत दिया जलुका का, जलुका में तो चेतना रहती है, लेकिन स्वर्ग से लौटने वाला जो है ना, उसमें चेतना नहीं रहती। फिर क्यों सादृश्य दिया, वो जैसे एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष में जाता रहता है, कौन जलुका, इसका भी निरंतर ही चलता है। टीका में दिया देखो,
सर्वासु अवस्थासु तासु तासु बृहदि संश्लेष संश्लेष क्या लिखा है? हाँ, तल्लवनादि दशासु, बृहदियों को काटते हो, कुछ करते हो, है ना। न चेतनावत चेतनावत्तम जलुका दृष्टांते विवक्षितम, ये जलुका जो दृष्टांत दिया है ना, ये दृष्टांत के लिए करके चेतनावत्व ऐसा नहीं समझना है। जलुका में तो तेरे चेतना है, लेकिन चंद्र से लौटने वाले में चेतना नहीं है। हाँ, ब्रीह आदि में जो अभिमान करने वाला है, सुखी दुखी जो हो रहा है, कर्म फल का जो भोग कर रहा है, वो है कौन? चेतना वाला है। किंतु सातत्य मात्र मिति भाव, ये देखो टीकाकरण ने कह दिया। जैसे जोलुका का सातत्य हो रहा है, निरंतर गमन हो रहा है, इसी प्रकार इसका भी निरंतर गमन हो रहा है। जब तक जिस शरीर में जब तक कर्म उन्मुख नहीं होगा, सुख दुख फल नहीं देगा, शरीर को प्राप्त नहीं करेगा, तब तक वो आता रहता है। अच्छा, जलुकावत्तम जलुका सादृश्यम अनुसायिनम, है ना। इसलिए जलुकावत्तम का मतलब क्या हुआ? जलुका के सादृश्य हुआ, अनुसायी जो है। आरोहतम सविज्ञानतम अवरोहतम विज्ञान रहितम, ये देखो प्रसंग से विचार चल रहा है। तो कैसे वहाँ से लौटता है, चंद्र से लौटने वाला? एक तो जो उपासना युक्त तो कर्म कर रहा है वो तो लौटेगा नहीं, जो केवल कर्म करके गया है स्वर्ग, वहाँ से ये लौटता है। हाँ, कैसे लौटता है ये कह रहा है। और किस भाव को प्राप्त करेगा वो आगे मंत्र में कहा जाएगा, है ना। आरोहताम सविज्ञानत्वम, जो जाते समय तो कैसा हुआ, उसमें सविज्ञानत्व है, और लौटते समय विज्ञान नहीं है, है ना। अवरोहताम विज्ञान राहित्यम उपपाद्य, वो चाहिए, विज्ञान राहित्य उपपाद्य, है ना। तो जो लौटते समय ज्ञान नहीं रहता है, ऐसा उपवादन हुआ प्रसंग से। आरोहताम अपि यावत् स्वस्वस्थानेभ्यः करणानि उपसंहृत्य हृदय अवस्थानम तावदेव सविज्ञानत्व। ये देखो, जीव को जो विज्ञान होता है ना, विशिष्ट विज्ञान, जब तक इंद्रिय अपने गोलक को नहीं छोड़ता है, गोलक में जब तक स्थित है ना इंद्रिय, तब तब जीव को क्या होता है? ज्ञान होता है। कौन सा ज्ञान? विज्ञान, विशिष्ट ज्ञान रहता है। यहाँ पर लेकिन देखो, इसलिए स्वस्व स्थानेभ्य करणाने, करण इंद्रिया अपने स्थान कौन हो गए? गोलक हो गए, वैसे उपसंहार कर लेता है। और हृदय अवस्थानम, हृदय में जब तक है तब तो क्या होता है? विज्ञान तो रहता है ना। और देहात बहिर्गता नाम, अध्याय से निकल गया अध्यांतर प्राप्ति से पहले, है कि नहीं? इंद्रिय का संबंध है ही नहीं गोलक के साथ, है ना। तब होगा क्या चेतन? नहीं होगा, न को आदर करना है। न तद अस्ति सविज्ञानत्म न अस्ति, तसलिए यहाँ पर सविज्ञानत्व, ठीक है। अनुसयीनाम तो चंद्रमंडलात् अवरोक्षताम अपि न भावी देह पर्यंता वासना दीर्घा भवति, वहाँ पर वासना तो वहाँ पर थी, बीच में वासना का दीर्घा नहीं होता है ना। इसमें कोई प्रमाण नहीं है, देवता शरीर में जाए तो देवता अनुकूल वासना रहेगी, है ना। मनुष्य शरीर में जाए तो मनुष्य अनुकूल वासना रहेगी। आजी वो जो नीचे जो उतरना चाहता है चंद्रमंडल से तो लौटेगा ना, ऐसा है। तो भावी देह पर्यंत तो उसकी जो वासना नहीं रहती है ना, इसमें उसकी वासना हो इसमें कोई प्रमाण नहीं है, ऐसा है। अंतराले तो तात्पर्य निकला, भाष्य का लिखते हैं, देखो भाष्य में है ना। अंतराले तो अभिज्ञानम, बीच में देखो, वहां से लौटा और शरीर प्राप्ति से पहले तक बीच में विज्ञान नहीं रहता उन जीव को, विशिष्ट विज्ञान नहीं रहता है। इसलिए रहता है, एक तो कर्म उन्मुख नहीं हुआ है फल देने के लिए, कर्म में वृत्ति नहीं है, ठीक है।
और उसकी इंद्रिया गोलोक में स्थित नहीं है, तो ज्ञान कैसे होगा? चिदाभास जीव उसमें नहीं है। किसमें? अंतकण में चिदाभास तो रहेगा, क्यों नहीं रहेगा? चिदाभास रहेगा, विशिष्ट ज्ञान नहीं होगा। शरीर में मैं आत्मा इस नहीं शरीर है। में हूँ, मतलब बृहदी में हूँ, मुझे ठोक रहे हैं, पिट रहे हैं, ज्ञान होगा क्या उसको? ऐसा अंतकण है तो चिदाभास तो रहेगा, अंतकण तो रहेगा ना, जीव अंतकण के बिना जीवभाव भी नहीं रहेगा। वो ऐसा तो कर्मी का भी रहेगा, शरीर नहीं मिलेगा तब तक उसको भी सुख दुख नहीं होगा। किसका मतलब, कर्मी किस समय जब शरीर छोड़ने के बाद नहीं रहेगा? कर्म को भी नहीं होगा नहीं होगा। तो समान ही हो गया। आजी समान ही हो गया फिर, कैसे समान हुआ? व्यवसायी जीव और कर्मी जीव का सुख दुख होगा। किस समय? शरीर होगा तो कर्मी को सुख दुख होगा, शरीर छूटने के बाद उसको भी नहीं होगा सुख दुख। नहीं, बीच में जो है ना वो शरीर को प्राप्त करता है ना वो। हाँ, शरीर को प्राप्त करेगा, उसको कैसे ले जाएंगे? नहीं तो ऐसा होता है ना, इसलिए दोनों में अंतर हुआ ना, ऐसा कह रहा न च वेदिका नाम कर्मणाम। अच्छा, ये मूर्छितवत एव इति अदोष, ये मूर्छित दृष्टान दे दिया ना भाई। जैसे मूर्छित व्यक्ति है, उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाते हो, मेडिकल भी ले जाते हैं, तो कहाँ ज्ञान रहता है? उसका ज्ञान नहीं रहता है। इसी व्यक्ति वहाँ से जो लौटता है, उनको भी विज्ञान ही रहता है, विशिष्ट विज्ञान। ये यहाँ पर सिद्धांत है, इसलिए कहा टीकाकरण ने इसका स्पष्टीकरण किया। मंडलात अवरोहताम, मंडल चंद्रमा चंद्र है, चंद्रमंडल से लौट रहा है, ठीक है। देहांतर गमन से तुल्यत्वपि, देहांतर गमन तो समान ही है, लेकिन विज्ञान शून्यत्वम, विज्ञान उनको नहीं रहता है, विशिष्ट विज्ञान नहीं रहना, इसमें कोई दोष नहीं है। अदुष्टम इति उपसंगरति इति अदोष, ऐसा कहा नारायण। अच्छा, यत्तु हिंसा अनुग्रहात्मकत्वात् इष्टादि कर्मणां स्थावरत्वम् अपि तत्फलमेव, तथा च वेदिकानां कर्मणां अनर्था अनुबंधित्वात् अप्रामाण्यं श्रुते इति तत्राह न च। देखो ऐसा कह रहे हैं, तो चंद्रलोक जो गया है तो वो तो इष्टादि कर्म किया है ना, इष्टा दत्त पुरत वैदिक कर्म किया है, लेकिन वैदिक कर्म में तो बहुत हिंसा हुई है, कर्म में तो बहुत हिंसा है ना। महादेव की जो है वो महादेव का अभिषेक भी करते हो, तो दही से मलते कि नहीं? बढ़िया से दही से, उसमें कीड़े नहीं है, बोलो तो कीड़े मरते हैं ना कि नहीं मरते? पूर्व पक्षी कह रहा है कोई भी कर्म 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 करोगे तो हिंसा तो होगी, पूर्व पक्षी कहना है। इसलिए क्या होगा? इष्टादि कर्मणा हिंसा अनुग्रहात्मक, हिंसा तो होगी होगी, मतलब हिंसा का अनुग्रह ही हुआ ना, हिंसा तो अवश्य होगी इष्टादि कर्म से। तो इसका फल क्या है? हिंसा जब होगी तो पाप ही होगा, पाप होगा तो क्या दुखी होगा ना, दुख तो फल ही उसका। ये स्थावरत्व अपि तत्फलमेव, ये इष्टादि कर्म का फल क्या स्थावरत्व भाव हो जाए। हाँ, ऐसा कह रहे पूर्व पक्षी है ये। तो ऐसा यदि मानोगे तो इष्टादि जो वैदिक कर्म है वो यदि दुखों को दिया तो फिर क्या हुआ? कर्मर तो फिर अनर्थ हो गया फिर, है ना। इसलिए अनर्थ अनुबंधित्वात् अनर्थम अनुबंधनात्, यदि अनर्थ अनुबंध अनर्थ होगा ही होगा, कर्म करोगे तो पाप होगा, तो इसलिए क्या हो गया? तो अनर्थ अनुबंधित्व होने से तो फिर ये श्रुति को प्रमाण कैसे कहोगे, है ना। इसलिए अप्रामाण्यम श्रुते, श्रुति को प्रमाण नहीं कहा जाएगा, है ना, ऐसा कह दिया। तो निष्फलकत्व तो आ गया ना, जो सुख देने वाला वो सुख तो दिया नहीं, वो दुख ही दिया वो, है ना। इति तत्र, ये है पूर्व पक्ष है, भगवान पूर्व पक्ष है, बोलते हैं कि ऐसी बात नहीं है, ये वैदिक कर्म है, वैदिक कर्म है ना, ये कह रहे हैं। देखोगे कहते हैं कि जो है नच वेदिका नाम कर्मणाम हिंसा युक्तत्वेन उभय हेतुत्वम शक्यम अनुमातम, ये तुम्हारा अनुमान यहाँ पर नहीं कर सकते,
वैदिक कर्म होगा तो स्वयं जो पुण्य तो होगा और पाप भी हो जाएगा, ऐसा जो पूर्व पक्ष लोग कहते हैं ना, तार्किक लोग, है ना, जो हिंसात्मक तो हेतु को लेकर सिद्ध कर देगा वो, है ना, जैसे कर्तवर्तनी कर्तंतरवर्तनी हिंसा, अधर्मजनिका हिंसात्ता हिंसात्वात् बाह्य क्रतु बाह्य हिंसावत हो गए कि नहीं अनुमान? और लोग तर्कशास्त्र पढ़े ना, उसमें जो हेत्वाभास आया सविविचार विरुद्ध सत्प्रतिपक्ष असिद्धवाधिता, उसमें जो असिद्ध हेत्वाभास होता है, असिद्धस त्रिविध आश्रय सिद्ध स्वरूपा सिद्ध व्यपत्त सिद्ध है कि नहीं है? उसमें एक व्यपत्त सिद्ध आता है, स्वपादिक हेतु व्यपत्त सिद्ध नहीं, उपाधि या साध्य व्यापकत्व सती साधना व्यापकत्व उपाधि, लेकिन वो जो व्याप्यत्व सिद्ध है उसको तीन प्रकार के कहा गया, केवल साध्य व्यापक, पक्ष धर्मावच्छिन्न साध्य व्यापक और साधना अवच्छिन्न साध्य व्यापक, तीन प्रकार से कहा, वो पाप की पदकृति आदि में होगा देखिएगा, है ना। तो केवल साध्य व्यापक एक होता है, वहां पर भी एक दृष्टांत दिया, जैसे पर्वत धूमवान बनने हैं, आद्यन्द्र संयोग उपाधि, वहाँ पर उपाधि आ गया नहीं, साध्य व्यापकता हो साधन की अव्यापकता हो, है कि नहीं, उस हेतु कहते हैं क्या, सोपाधि का हेतु कहा जाएगा, है ना, उपाधि बनता है, उपाधि का लक्षण ही होता है साध्य का, जब व्यापक हो और साधन का अव्यापक हो, ऐसा होता है ना। तो यहाँ पर भी घटाओ देखो, जो लोग पढ़े हो, जैसे अनुमान कर दिया कृतंत्र वर्तनी हिंसा पक्ष बनाओ उसको, अधर्मजनकत्व साध्य हो गया, हेतु बनाओ जो हिंसात्व का हेतु बनाओ, अदृष्टांत हो गया क्रतु बाह्य हिंसा दृष्टांत बनाओ, यत्र तत्र हिंसात्म तत्र अधर्मजनकत्व, ये पूर्व पक्ष सिद्ध करेगा, वो कहाँ पर सिद्ध करेगा, क्रतु बाह्य में, जैसे क्रतु जाग जाग से जो बाह्य हिंसा वो तो अधर्मजनिक ही हो, कुछ हिंसात्व तो भी है अधर्मजनकत्व तो भी है, लगता है कि सतेत्व ही है, इसलिए कत्व के अंदर जो हिंसा है उसमें हिंसात्व तो रहेगा, हेतु रहेगा, हाँ जब सतहेतु रहेगा तो साध्य भी रहेगा अधर्मजनकत्व तो भी रहेगा, है ना। तो बाह्य हिंसा में जो हिंसात्व तो है और अधर्मजनकत्व तो है, इसी प्रकार से कत्व के अंदर जो हिंसा है उसमें हिंसात्व तो हेतु रहेगा, जैसे जहाँ पर धूम रहेगा वहाँ पर बनी रहेगी, इस पर हिंसात्व तो सत्यतु होने से वहां पर क्या है, हाँ जो है अधर्मजनकत्व तो साध्य रहेगा, ये पूर्व पक्षी कहेगा, ये बराबर है कि नहीं, ऐसा कहते हैं, इसलिए सत्यतु लगता है ये अनुमान में जो हिंसात्व तो सत्यतु हो गया। तो सिद्धांत ये कहता है नहीं, यहाँ पर निषिद्धत्म उपाधि घट जाएगा, उपाधि क्या बनेगी, निषिद्धत्म उपाधि बन जाएगी, तो साध्य व्यवहार सिद्ध करो, है ना, यत्र यत्र अधर्मजनकत्वम तत्र तत्र निषिद्धत्वम, तो अधर्मजनकत्व साध्य हुआ और तो निरूपित व्यापकता रहेगी निषिद्धत्व में, जहाँ जहाँ पर अधर्मजनकत्व रहेगा वहाँ पर तो निषिद्धत्व तो रहेगा ही रहेगा, हो गया कि नहीं हो गया, साध्य व्यापकता घट गई, लेकिन साधन का अव्यापक बनेगा, पक्षों को लेकर के साधन अव्यापकता घटती है, ठीक है, पक्ष हो गया कृतंत्रवर्तनी हिंसा, बराबर है कि नहीं, तो उसमें तो हिंसात्व तो है लेकिन निषिद्धत्व नहीं है, श्रुति प्रमाण से अग्निशमयम पशुम आलभेद, श्रुति बोलती है, हाँ यदि भी कहा गया मां हिंसा सर्वभूता नहीं कहा गया, ये उत्सर्ग है, सामान्य है, ये इसको कहते हैं सामान्य है, सामान्य कहो उत्सर्ग कहो, समझ में कि नहीं, लेकिन ये हो गया बाधक अपवाद हो गया, हाँ जी, उत्सर्ग सामान्य, उत्सर्ग कही सामान्य के क्या कह रहे, नहीं, शब्द कह रहा हूँ, सामान्य कहो उत्सर्ग कहो, ये श्रुति सामान्य है, मा हिंसा सर्वभूतानि अथवा न हिंसा सर्वभूतानि, ये सामान्य मंत्र हो गया, यहाँ पे निषेध कह रहे हैं सामान्य है, इसका अपवाद हो जाएगा, हाँ
अग्नि सोमयम पशुम आलभेत इत्यादि हो जाएगा, है ना। इसलिए वो सामान्य होने से अपवाद विषयम प्रकल्प्य उत्सर्ग ततो अभिनिवेशते। अपवाद का जो विषय होता है उसको छोड़ करके सामान्य प्रवृत्त होता है, नहीं जैसे वृद्धि रची को छोड़, जहां पर वृद्धि नहीं रहेगी वहां पर आदगुण लगेगा वो दृष्टांत में। इसी प्रकार से जो है जो है कृत्वर्तम कृतंत्रवर्तनी हिंसा है, उससे अतिरिक्त तो जो हिंसा है मतलब शास्त्रीय हिंसा जो नहीं है, समझ लो जैसे मान लीजिए डॉक्टर कर दे वो तो शास्त्रीय हिंसा है, और किसी को ऐसे ही गला कर देगा वो डॉक्टर जो तो शास्त्रीय क्या, वो तो नहीं, वो तो पाप हो जाएगा, अधर्म का जनक हो जाएगा। आए पढ़ में, इसलिए निषिद्धत्व उपाधि में साध्य व्यापकता घट गई और साधन की अव्यापकता घट गई, जो है पक्ष को लेकर ऐसा जो मैं हिंसा तत्व तो है क्रतु के अंतर्वर्ती हिंसा में पशु आदि जाग में, है ना, उसमें हिंसा तत्व तो है लेकिन निषिद्धत्व तो नहीं रहा, साधन का क्या बन गया, अव्यापक बन गया, साध्य व्यापकता भी घट गई साधन की अव्यापकता भी घट गई। इसलिए कह रहे यहाँ पर संक्षेप से कहा, आप लोग न्याय पढ़े हो इसलिए भगवान भाष्यकर कह रहे हैं, न्याय तो पहले से पढ़ना होता है ना उपनिषद से, बल्कि उपनिषद के बाद पढ़ेंगे तब फिर जो है वो रुचि नहीं होती है न्याय में। जो उपनिषद ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जब समझ लिया तो फिर काय को ये सब काय को पढ़ना है, मथा पच्ची करना, अवच्छेद अवच्छिन्न है कि नहीं बोलते नहीं लोग इसलिए पहले से पढ़ना होता है सब, वेदांग पहले है उसके बाद वेद अंगी होता है, ठीक है। इसलिए कह रहे हैं ये वेदिकानाम कर्मणाम, वेदिक कर्म हिंसा से युक्त तो हुए, हिंसा तो हुई लेकिन जो है पुण्य का हेतु तो है ही लेकिन पाप का भी हेतु हो जाए, इसलिए उभय हेतु तम का ना, मतलब क्या पुण्य पाप जनकत्व ये हुआ ना, पुण्य पाप अथवा सुख दुख ले लो जो लेना, कार्य को ले तो साधन को ले लो, उभय हेतुत्तम सुख दुख हेतुत्तम को अथवा पुण्य पाप हेतु का हेतुत्तम को, ठीक है। ऐसा अनुमान आप नहीं कर सकते, ये तुम्हारी तुम्हारा जो अनुमान है ना सोपादिक हेतु हो गया, तुम्हारा हेतु क्या बन जाएगा सोपादिक बन जाएगा, दुष्ट हेतु हो जाएगा ना, ठीक, असिद्ध हो गया, उसमें असिद्धि नामक दोष आ गया, व्यापत्ता सिद्धि नामक असिद्ध असिद्धि दोष आ गया, किसमें आता है हेतु में आता है, इसलिए तुम्हारा हेतु दुष्ट हेतु हो गया, है ना। उसको हेतुभाष भी कहते हैं, हेतुवाद आभास होते थी हेतुभाष है ना, ऐसा कह रहे हैं। आगे देखो भाई न च वेदिकानाम कर्मणाम हिंसा युक्तत्व, हिंसा से युक्त होने से, है ना, तो मतलब हिंसा तो उसमें रहेगा ना, इसलिए उभय हेतुत्म शक्यम अनुमातम न च अनुमातम शक्यम, ये अनुमान तुम नहीं कर सकते उभय हेतुत्व का ये अभिप्राय है। इसलिए क्या यहाँ पर देखो अर्थानर्थ हेतुत्तम इति जावत, है ना, अर्थ है पुण्य ले लो, अनर्थ है पाप, अथवा अर्थ है सुख अनर्थ है दुख, है ना, चाहे साधन को लीजिए चाहे साध्य को लीजिए, तो अर्थानर्थ हेतुत्तम इति जावत। अच्छा आगे लिखे भाष्यकार, क्योंकि देखो ये शास्त्र से भेद है ना, हिंसा वैदिक हिंसा शास्त्र से भेद है, शास्त्र से विधान किया गया, पशु में आलभे तो कहा गया है कि नहीं, मान लिया शिष्य नहीं मान रहा है उसको दंड देने का विधान किया गया, शिष्य यदि उदन करता है तो क्या करना चाहिए, उसको दंड देने का विधान, पीड़ा तो होती है, मान लीजिए जो खड़ो उठाकर मार दिया तो जो पीड़ा तो होगी, क्यों तो न्याय हुआ क्यों अन्याय हुआ, सुधांशु गुरु जी ने बहुत बार खाए थे वो भारती महाराज से बोलते थे ये बालक थे वो छोटे थे वो तो मार देते थे वो तो हिंसा यहाँ शास्त्र चति तो चौदी तत्वाद, हिंसा जो है शास्त्र वेद यहाँ पर वेद से वो चोदित है विहित है, इसलिए हिंसा जो है वेदिक हिंसा
है ना, अधर्म जनिका नहीं हो सकती है। हिंसा तत्व के द्वारा अधर्म जनकत्व हिंसा में हो जाए, नहीं है, प्रमाण भी देंगे। देखो, अहिंसन सर्वभूतानि अन्यत्र तीर्थेभ्य, ये श्रुति आगे आएगी है, तो कहते हैं देखो, तीर्थेभ्य अन्यत्र सर्वभूतानि अहिंसन। तीर्थ यहाँ पर क्या है? वैदिक कर्म, वैदिक कर्म से अन्य, सच में ना, वहाँ पर सभी भूतों का क्या है? अहिंसन, हिंसा न करते हुए। इसका मतलब क्या हुआ? वैदिक कर्म ये शास्त्र विधान क्या है, तो हिंसा हो, कोई आपत्ति नहीं। नहीं तो बोलेगा नहीं भाई, जो दही में तो बहुत कीड़े रहते हैं, उसको भी जो अभिषेक कैसे करें महादेव जी का, मतलब तो मन से कर लेंगे। ऐसे भी युक्ति लोग आते, लोग लोग बोलते हैं हम दूध नहीं पियेंगे। एक महात्मा ने दूध नहीं पीते थे, वो दूध नहीं पीते क्यों? बस दूध में तो कितने कीड़े रहते हैं, हम कैसे पियेंगे। कुछ लोग ऐसे बोलते हैं, तो भाई वो तो बछड़े का है, हम कैसे पी लेंगे। हाँ, उनका कहना भी सही है, गलत नहीं है, जो बलपूर्वक करते हैं ना, बछड़े को पिलाते नहीं, ऐसे पी दूध लेते हैं, दोस्त ले, दूसरे का हिस्सा हो गया ना, फिर उसको पिलाने के बाद जो दुए तो अलग बात है। एक महात्मा जी तो नहीं पीते दूध कभी, हाँ दूध की चाय भी नहीं पीते हो। तो ये होता है कि जो है अधर्म जनक धर्म जनक, इसमें तो है शास्त्र ही प्रमाण होता है। अहिंसन सर्वभूतानि अन्यत्र तीर्थेभ्यः इति श्रुते है, ये श्रुति प्रमाण है। इसलिए शास्त्र चोदितायाः, शास्त्रेण चोदिता, शास्त्र चोदिता है ना, तो शास्त्र से यदि विहित हो जाए हिंसा, तो ना अधर्मा हेतुत्वम् अभ्युपगम्यते, वो अधर्म का हेतु होगा ऐसा आप स्वीकार नहीं करते है ना। तो शास्त्रों को जानने वाला है वो कभी भी स्वीकार नहीं करेगा इसको। अच्छा, और आप कहते चलो मान मिल लिया, ऐसे तो अधर्म नहीं होता, चलो मान मिल लिया, अभ्युपगम का बोलते हैं ना, चलो मान मिल लिया। तो कहते हैं कि थोड़ी टीका इसके ऊपर ले लो, तो अहिंसन इत्यादि श्रुते हैं, हिंसा ना करते हैं बोल दिया इत्यादि श्रुते हैं, शास्त्र चोदित वेदिकेशु कर्मसु हिंसा न अनर्थ हेतु। यहाँ तक तात्पर्य हुआ है ना, कि शास्त्र से विहित जो वैदिक कर्म होते हैं उसमें जो हिंसा आदि कही गई है ना, पशु मालवित इत्यादि, उस वो जो है ना अनर्थक है तो नहीं होता है ना, श्रुति प्रमाण से। चलो अभ्युपगत्य अपि, अपि कहने से गया चलो मान भी लिया, अभ्युपगम न्याय से है ना, मान भी लिया तब भी उसका परिहार कर देंगे। इसलिए तो हवन वगैरह करते हो ना, इसलिए बाद में जो प्रायश्चित हवन इसलिए करना पड़ता है। इसे मान लीजिए कोई त्रुटि हो गई, पाप हो गया, तो इसका खंडन हो जाए, नष्ट हो जाए, इसलिए शास्त्र विधान भी है ना, ये सब करना पड़ता है। ये है अभ्युपगमे अपि, अभ्युपगमे है कि गते है भी, भाष्य में क्या है? गते है ना, मेरे में अभ्युपगमे है, लेकिन टीका में तो अभ्युपगते है, तो भाष्य में अभ्युपगते होने से अच्छा है, बराबर ना। तो अभ्युपगते भी अधर्म हेतुत्वे, चलो अधर्म का हेतु हो भी गया, मान भी लिया, तो इसका हम परिहार कर सकते हैं, दृष्टांत देकर भी कह रहे हैं। देखो ना, मंत्रेर विषादिवत तत् अपनयो उपपत्तिर, भाई उसका अपनय कर सकते हो, जैसे विष खाते हैं मृत्यु हो जाती है कि नहीं, मंत्र के द्वारा उसको निकाल देते हैं। मंत्र के द्वारा क्या है, उसको निकाल दिया जाता है विष को, हमने देखा है, और निकाल देते हैं विष मंत्र से, हाँ सर्पाय करने से होता है। हाँ, आज जिसने जो ऐसे भी होता है, जो कोई मान लीजिए मंत्र का प्रयोग किया है किसी के ऊपर, और उससे जो यदि श्रेष्ठ कोई विद्वान हो, मंत्र के जानकार हो, तो उसको वापस कर देगा, जाओ जिसने प्रयोग किया ना उसके उधर चले जाओ, उसको लकवा मार देता है, उसको तांत्रिक जीवन भर रोता रहता है, ऐसा भी हो जाता है। मंत्र में शक्ति होती है, मंत्राणां वचिन्त्या शक्ति, मंत्र तो है ही, ठीक है, हम बड़ी बड़ी बहुत सिद्धि आ जाती है। हाँ जैसे वो क्या है कि सूत्र आता है ना,
अदसो सिर दादु दोमा। देखो उसको सिद्ध करो मंत्र को, उस मंत्र को सिद्ध करो, कितने विषों सब उतर जाएगा। और यूँ उल्टे से महादेव का वो करो, देखो बड़ी बड़ी सिद्धि मिल जाती है, श्रद्धा भी होनी चाहिए। मैं तो अरे ये तो सब मंत्र है, इसमें क्या होता है, जड़ी है वो, ऐसे नहीं। हाँ जी हाँ, वो विलक्षण मंत्र है, वो सूत्र है, वो मंत्र भी है वो। उससे वो मंत्र की जब सिद्धि हो जाती है ना, सारे विष उतर जाते हैं उससे, विलक्षण होता है। श्रद्धा होनी चाहिए, प्रक्रिया होनी चाहिए, ये सब है ना। तो मंत्र विषादी आदि से ले लो, है ना। मान लीजिए कोई बुखार हो जाता है, दही से उसमें कुछ मिला देते उतर जाता है। देखो तत् अपना उपपत्ति है, इले ना दुख कार्य आरंभकत्व उपपत्ति ही, इले दुख कार्य का आरंभ कर नहीं होगा। वैदिक कर्म वैदिका नाम कर्मणाम मंत्रणा विष भक्षण से, ये देखो ऐसा भी जाता है, जो विष जो है ना वो मृत्यु का हेतु होता है, और उसी में यदि मंत्र का प्रयोग कर देंगे तो भी वो मृत्यु का हेतु नहीं होगा, वो पुष्टि का हेतु हो जाएगा, है ना। विद्या चाहिए, जिस विष से जो है ना मृत्यु हो जाती है उसी विष से औषधि बनाते हैं लोग, बहुत सारे औषधि बना देते हैं विष से, औषधि बना देते हैं। सर्पों के विष से देखो कितनी औषधि बनती है कि नहीं, वायरस वायरस सब निकल जाता है। ऐसा है ना। तो इसलिए हम लिखते हैं कि जो है मंत्रण एवं मंत्र से जो जो पहले जो विष मृत्यु का हेतु था, मंत्र से वो पुष्टि का हेतु बन जाता है विष। जिस दही से जो है ना बुखार हो रहा था, उसी दही में कुछ मिला देंगे तो बुखार नहीं रहेगा, बुखार उतर जाएगा। ऐसा होता है। हाँ, ये शराब पीने वाले भी जानते हैं, जिस शराब से जो है ना वो जो है बहुत ये बेहोशी हो गया कुछ, उसको और थोड़ा शराब पिला देते हैं, लेकिन कैसे पिलाना है उसका तरीका होनी चाहिए। इसलिए कहते हैं शराब शराब को काटता है, जहर जहर को काटता, बोलते कि नहीं। उसको और थोड़ा शराब पिला, लेकिन कैसे पिलाना है, क्या मिला करके, वो ज्ञान होना चाहिए, उतर जाता है वो। इसे बड़ी कला है लोगों में। अच्छा टीका है, यद्यपि स्वरूपेण हिंसा अनर्थ हेतु। चलो हिंसा क्या है, अनर्थ का हेतु है, चलो मान लिया, तथापि क्या कह दिया है, जो है तद युक्ता नाम, उसमें युक्ति आदि बताई, वैदिक कर्माणाम न अनर्थारंभकत्वम, ये अनर्थ का आरंभ का नहीं हो सकता है। जिसे दृष्टांत दे दिया, यथा स्वरूपेण विष दध्यादि, ये देखो दही का नाम लिया, आदि सर भी ले लो और क्या है ना। तो विष दध्यादि मरण ज्वरादि हेतुत्व, फिर विष खाएंगे तो मृत्यु होगी, और दही खाएंगे तो क्या होगा, ज्वर हो जाएगा, ठंडी पड़ेगी, गला खराब होगा। है कि नहीं। आजकल मठा इतना बनाते हैं कि जो खट्टा ही खट्टा होता है, नहीं मुझे असर है। तो थोड़ा से पी ले तो नींद आ जाती है ना। तो ये हेतुत्व अभी, और हम लोग को पता नहीं कैसे खाना है, आज जो मिलता है वो पा लेते, और क्या है, ज़्यादा बुद्धि लगाते नहीं हम लोग, जो मिल गया पा लिया। हाँ, तो मंत्र सरकारी भी ही सह उपयुक्तम, लेकिन मंत्र से युक्त हो गया विष, और दधि थोड़ा शर्करा मिला दिया, गुड़ वगैरह मिला दिया। उसमें जो है वो काली मिर्ची है, क्या क्या है वो मिला दे, जीरा वगैरह मिलाते ना सब, शर्करा देवी सा उपयुक्तम, है ना। उपयुक्तम के उपभोक्तम है, उपयुक्तम ठीक है, उपयोग किया गया, उपभोक्तम है युक्तम, ठीक है उपयोग किया गया। तो सद हो जाने से तो ना तत् कार्यारंभकम, तस्वीर मरणादि ले लो, ना विश्व मृत्यु का हेतु बनेगा, ना दधि आदि ज्वर आदि का हेतु बनेगा। इसी प्रकार से दृष्टांत में तथा हिंसाया सत्व अधर्म हेतुत्व अपि, चलो अधर्म का हेतु मान भी लिया, कोई भी कार्य हो उसमें तो कुछ ना कुछ हिंसा तो रहेगी ना, हिंसा हो तो अधर्म होगा, ऐसा मान करके बोल रहे। हिंसा स्वरूप से अधर्म का हेतु है, हिंसा हो तो पाप तो होगा, ऐसा सांख्य लोग ही मानते हैं। सांख्य लोग ऐसे मानते हैं ना, कोई भी कर्म हो उसमें तो हिंसा तो रहती है, उसमें उसका फल क्या है, दुखी होगा, ऐसा मानते हैं। हाँ ऐसा कहते हैं ना सांख्य लोग। तो तथा हिंसा यह स्वतः अधर्म हेतुत्व भी वैदिक कर्म निष्ठाया न तत् हेतुत्वम, इसलिए वैदिक कर्म में जो निष्ठा है, निष्ठा मतलब रहने वाली, हिंसा टिप्पण में दे दिया,
वैदिक कर्म में जो हिंसा है ना तद हेतुत्वम, वो अधर्म का हेतु नहीं है। वैदिकेरपि कर्म है, जो वैदिक कर्म के द्वारा देखो तत्कृत दोषा अपनय सिद्धे, देखो ये भी तो विधान किया गया है, तर्कित दोष हिंसा से होने वाला दस उस दोष का अपनान्वित हो जाता है प्राश्चित आदि कर्म से, मंत्र आदि प्रयोग से, ठीक है ना। इत्यर्थ पूर्वोक्तम दृष्टम दृष्टांतम स्पष्टयति मंत्रणयति तेना स उपभोक्तस्य, तेना से यहाँ पर ले लो मंत्र है ना। हाँ, जो विष मृत्यु का हेतु था वही विष मंत्र से जे उपभुक्त हो जाए, मंत्र के द्वारा उसका उपयोग किया गया तो क्या होगा? हाँ, अनर्थ हेतु का हेतु नहीं होगा, अनर्थ हेतु अहेतुत्व ना, अनर्थ का हेतु नहीं बनता है वो, ठीक है ना। हाँ, पुष्टि हेतुत्ववत, ये दृष्टांत हो गया, पुष्टि का वो हेतु बनता है ना, वो पुष्टिकर बन जाता है वो। इसलिए क्या हुआ, वैदिक कर्म अनुप्रविष्टया हिंसा, वैदिक कर्म जो मैं अनुप्रविष्ट जो हिंसा है पशु आलमन आदि जो हिंसा है, तो वो क्या हुआ, अनर्थ का हेतु नहीं है वो, प्राश्चित आदि सब किया जाता है, इसलिए पुरुषार्थत्व है, वो पुरुषार्थ है वो, है ना, वो पुण्य का हेतु बनता ही है। और इसमें ब्रह्म सूत्रकार भी कहते हैं, जो लिखे यहाँ पर कि जो है अशुद्धम इति चेत न शब्दाद इति न्यायाद, न्याय कहने से ब्रह्म सूत्र इत्यर्थ है ना। तो पूर्व पक्षी लोग जो कहेंगे अग्निष्टोम आदि में जो जाग है उस समय हिंसा होती है, इसलिए क्या है, अशुद्ध है, हिंसा का हेतु हो गया ना, है ना। इसलिए जो पशु आलम्बन आदि जो है ना, तो पशु जाग आदि में हिंसा होती है, इसलिए वो शुद्ध नहीं अशुद्ध है, ये पूर्व पक्षी कहेगा, है ना। ये कह रहा देखो अशुद्धम इति चेत, बोलता है नहीं क्या ना शब्दाद, है ना, वैदिक हिंसा अशुद्ध नहीं है क्योंकि श्रुति प्रमाण है, अग्नि स्वयं पशुम आलवेत, श्रुति कहती है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमदः पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेव। ओम शांति शांति शांति। शंकरम शंकर केशवम भद्रा सूत्र भाष्य कृतो वंदे भगवंतो ईश्वरो गुरुरात्मे मूर्ति भेद व्योमवद्व्याप्तदेह दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।